राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने कोर्ट में अर्जी दी है। भानवी सिंह ने कोर्ट में मेंटेनेंस अर्जी दाखिल की है। 10 लाख रुपए प्रतिमाह का मेंटेनेंस मांगा गया है। राजा भैया से भानवी ने हर माह 10 लाख रुपए की मांग की है और राजा भैया से भानवी ने 10 लाख रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता मांगा है। महंगे ब्रांड की चीजें खरीदने के लिए मांगा गुजारा भत्ता। और स्वाति पाठक संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव है। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरह से देखिए, गुजारा भत्ता की मांग अब की गई है राजा भैया की पत्नी की तरफ से। देखिए शांतनु, राजा भैया इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि राजा भैया ने जो तलाक की अर्जी दाखिल की थी उसी अर्जी को लेकर लगातार साकेत कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह अपने ससुर के साथ साकेत कोर्ट पहुंची थी। उन्होंने कोर्ट में भानवी सिंह की तरफ से कहा गया कि इन कैमरा सुनवाई हो। इसके साथ ही जो चौंकाने वाली बात यह है कि राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह, जिन्होंने जो आवेदन दिया है उसमें कहा है कि हर महीने 10 लाख गुजारा भत्ता दिया जाए, और ये 10 लाख की जो मांग भानवी सिंह ने की है कोर्ट में, वो कहा गया है कि जो ब्रांडेड चीजें हैं, ब्रांडेड वो अपने पैसे से नहीं खरीद सकती है, उनकी कमाई उतनी नहीं है। और जिस तरह से राजा भैया ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने भी अब 10 लाख गुजारा भत्ता की मांग की है और ब्रांडेड चीजें खरीदने के लिए इन पैसों की मांग की गई है। अब 3 नवंबर को कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी। क्या कुछ होता है ये देखना सबसे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि आज राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह कोर्ट में अपने ससुर के साथ पहुंची थी, और जब इस मामले की सुनवाई फैमिली कोर्ट में हो रही थी तो उस दौरान राजा भैया की वकील की तरफ से कहा गया कि भानवी सिंह लगातार मीडिया में आ रही है, बयानबाजी कर रही है, जबकि कोर्ट में मामला है। तो आज भानवी सिंह और उनके ससुर मीडिया से बचते हुए नजर आए, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम बात है कि जो आवेदन दिया गया है भानवी सिंह की तरफ से, उसमें हर महीने 10 लाख गुजारा भत्ता की मांग की गई है और ब्रांडेड चीजें खरीदने के लिए ये मांग की गई है। स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट।